क्या है? देखो, बेचारा घायल है। मुझे पता था एक दिन कोई आएगा। क्यों? टूट गए हो इस इंसानों की दुनिया से ना? देखना चाहते हो पिरानों का राज? तो ये लो मेरे दोस्त। अब तुम जिसको भी काटोगे हमारे जैसा ही बन जाएगा। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला। क्यों का लिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें बचा रही है या बिगाड़ रही है? चुगू, हट जाओ। एक को तो भगा सकते हो, लेकिन मेरी पूरी सेना का क्या करोगे तुम? हमला करो! सब पीछे रहो। मछली हो जो कल घायल थी। अरे, मुझे क्या हो रहा है? राजू, जग्गू, जाल बना दो। तैयार हो? की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओए पिराना राजा, फिर से हीरो बन गया? जोर लगा के हाय शा। जग्गू, और जोर से, हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छचिंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना, जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। पहुंच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम
दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाई तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरो गिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना, देखना इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ? राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। कर रहे हो? ओ, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। <आजाओ। laughs>
शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो, लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो। चलो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। कोई योद्धा नहीं, ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। कोई आ रहा है। हम थक गए हैं, हमें आराम करना है। आराम करना था तो यहाँ आए ही क्यों? भूल गए कि हम यहाँ शाही दावत खाने आए हैं। शाही दावत? चलो जल्दी 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 इस दरवाजे के पीछे आ जाओ। चलो जरा देखो तो, लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। पकड़े गए राजू। अब बताओ तुम किसकी तरफ हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही होता हूँ चुटकी। तो फिर ठीक है, जगू मेरी तरफ। मुकाबला शुरू करते हैं। मेरे बिना ही मुकाबला शुरू कर रहे हो? पर उस्ताद, मुकाबले में शामिल होने के लिए आपको भी भीम और चुटकी के बनाए दरवाजे के बीच में से निकलना होगा। और आप तो महल के दरवाजों में भी फंस जाते हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? उस्ताद हम आ गए, चलिए। उस्ताद, 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 उस्ताद,
देखो जमीन पर, ऐसा लगता है जैसे कालिया का किसी से झगड़ा हुआ था। बोलो बोलो, रो मत, भीम जरूर कालिया को ढूंढ कर ले आएगा। हमने कालिया का एक चित्र बनाया है भीम, शायद वो कुछ काम आए। क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं दीदी। प्रणाम अच्छी परी, कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, ये एक जादुई कंपास है। सामान्य रूप से एक कंपास सिर्फ उत्तर दिशा दिखाता है, लेकिन ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक की दुकानें भी। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? सब लोग पास आओ और ढूंढ बोलू, ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो। मदद करोगे ना? कालिया कहाँ है? कालिया, मुझे कोई कालिया नहीं पता। तुम अभी बात है, इतने जल्दी यहाँ कैसे? विराट नगर के वासी है। विराट नगर? अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। ये तो हीरा है। और कितना बड़ा है। चलो जल्दी से वो हीरा निकालो। कौन हो तुम लोग? कौन सा हीरा? मुझे किसी हीरे के बारे में नहीं पता। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी। तुम लोगों ने हमारे उस्ताद के साथ ऐसा बर्ताव किया। किस्मत वाला जो आ गया है। चलो अब ढोलकपुर में बाकी सबको ठीक करें। अब देखना मेरा कमाल। चुक्की, चलो घर। कालिया, क्या किया तुमने? अभी बताता हूँ राजू। केले? केला चोर, पकड़ो केला चोर। गुस्सा नहीं करूंगा, आज एक जादूगर ढोलकपुर आया है। चुटकी, मेरे पास एक और टिकट है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुटकी भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी कालिया। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, शाम को तैयार रहना। उस्ताद, ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? चुटकी आपके साथ जाने को तैयार हो गई है। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। आ, 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 आ,
शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा है? क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है, सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। बच्चों समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। हेलमेट पहनकर उड़ते हैं? मुझे नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। यूनिवर्स में एक दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया होती है। जैसे एक जहां तुम रहते हो और एक जहां हम रहते हैं। मेरे दोस्त पता नहीं कहां और किस हाल में हैं। अब समझ में आया यहां दरवाजे क्यों नहीं। यहां लोग चलकर नहीं उड़कर घरों में आते जाते हैं। ये कालिया उस्ताद जाने कहाँ है? कहाँ है एलियन, कहाँ है? इतना तो समझ गया, पर मैं पिंजरे के अंदर और तुम बाहर इनकी पोशाक पहने, ये समझ नहीं आया। लंबी कहानी है। जब होश आया तो मैं इस दुनिया के मेयर के घर में था। शायद उन्हें मैं उन्हीं के जैसा लगा। कितना क्यूट है, क्यों ना हम इसे रख लें। और फिर मुझे मैप में तुम दिख गए और मैं यहाँ आ गया। पर बाकी सब कहाँ हैं? सोच रहा हूँ इस अनजान जगह अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूं? तुम सोच ही रहे हो, मैंने सोच भी लिया। मेरे लिए? हेलमेट का कंट्रोल तुम्हारे राइट हैंड में रहता है, स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन। हाँ,
दुनिया को छोड़ दो। एक एलियन के शो से हम इतना कमा रहे हैं, सोचो इन सब को भी पकड़ लें तो कितना कमाएंगे। जरा रुको, चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी। मुन्मुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना, बावर्ची नंबर वन। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए, सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। हाँ, रस्सा कसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्सा कसी, ठीक है, मंजूर है। खाली खोपड़ी वालों, मदद करो, उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अकल छोड़ दी क्या?
मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा मेरा चांद।